केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। गुप्ता जी मिनिस्टर स्टाफ यूनियन का प्रेजिडेंट है जी। असी अज तो 3 दिन पहला 4 दिन पहला सिंबोलिक जिहा चंदन ग्रेवाल जी के सरपस्ती धरना लाया से, जिस अद्धे दिन की स्ट्राइक असी रखी सी, जिदे साडे मुद्दे से जो मुलाजम साडे है जो सस्पेंड किए गए थे, इन्हों इंक्वायरी बेस से बहाल किया जाए तो साड़ी तनखावां टाइम सिर दित्तियां जाण। पर सरकार ने अज तक साढ़े 4 दिन के सिंबोलिक धरने कोई गौर भी नहीं किया, ना साडे किसी जथेबंदी के प्रधान को बुलाया तो बुला के टेबल टॉक करने की कोशिश की है, जिदे करके अज रिजल्ट यह है कि सारे जथेबंदियां इस मिनिस्टर स्टाफ का हथ फड़न वास्ते, इन्हों आशीर्वाद देने वास्ते इतने सारे इकट्ठी हुई हैं, तो अच्छ सरकार के विरोध के सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि तनखावां तो हरेक नूं चाहीदियां। साडी इत्थे पुरजोर मंग है कि एक तो साडी तनखाह जल्दी तो जल्दी रिलीज़ की जाए, तो दूजा जिहड़े साडे मुलाजम जिस करके इन्हों सस्पेंड किया गया कि 93 बिल्डिंगां शहर च बन गई, जिहड़ियां 93 बिल्डिंगां विजिलेंस जांच रोक दी गई है, जां तां 93 बिल्डिंगां तोड़न की परमिशन दी जाए, नहीं तो साडे सारे कर्मचारियों नूं इंक्वायरी बेस से बहाल किया जाए। इस सैलरी इशू लगातार 6 महीने तो असं देखते दे आ रहे हैं कि असं धरना देंगे तो सैलरी रिलीज़ हो जाती है, उदो कहते मेयर साहब कह देंगे, कमिश्नर साहब कह देंगे असं चंडीगढ़ जा रहे हैं तो असं सैलरी लेके आ रहे हैं। ये 22-23 तरीक की प्रथा क्यों पाई जा रही है? असं क्यों नहीं एफर्ट करते कि पहली दूजी तरीक न ही मुलाजम तनखा दी जाए? इस करके 6 महीने तो लगातारता यही काम चलता आ रहा, कभी सूँ कह देंगे जी ये महीना कढ़ा दौ, आह महीना कढ़ा दौ, ये सुनते सुनते साढ़े 6 महीने बीत गए पर साड़ी तनखा अज तक रिलीज़ नहीं हुई, जिद करके साडे सारा मुलाजम डिफाल्टर हो चुका, कोई बैंक अज लोन देने तैयार नहीं साडे साडे मुलाजम नूं, सरकारी मुलाजम नूं। उह चंदन ग्रेवाल जी ने अज शाम नूं मीटिंग रखी है जी, जे अज मीटिंग दे अज साडा कोई जथेबंदी नूं सानूं नहीं इनवाइट किया जाता, कोई टेबल टॉक करने की कोशिश नहीं की जाती, तो संघर्ष फिर बहुत दूर तक चला जाएगा जी, बहुत वड्डा संघर्ष चला जाएगा। जिहड़ा चंदन ग्रेवाल जी चाहते सीगे पिछले हफ्ते तो यही गल कर रहे सी बार बार कि बरसात के दिन चल रहे हैं, असीं नहीं चाहते कि शहर का कोई नुकसान होवे, पर शायद सरकार नूं इहदे बारे कोई विचार नहीं है जी, वह कोई ना तो पब्लिक दे हिस्सा सोचदी पई है तो ना ही सोचना चाहती है। ये लगातार अज चौथा दिन है जी, अज और पूर्ण तौर पर जो अज एक दिन की पूरी मिनिस्ट्रियल स्टाफ और इंस्पैक्टर साहबान जो ऑफिसर साहबान उन्होंने पूर्ण तौर पर अज का पूरा दिन जो हड़ताल के बैठ गए हैं, और पहला 3 दिन जो धरना चलिया वो सिंबोलिक एक धरना से जो लगभग 12:30-12:30 बजे तक चलता हों, पेन डाउन स्ट्राइक से, और तुम देख सकते हो भी अज हाले तक असी ना सफाई काम ना दर्जा 4 कर्मचारी असी इस हड़ताल हाले शामिल किए हैं, पर एक भी MLA शहर का मेयर साहब या किसी भी मंत्री का या मुख्यमंत्री का कोई भी रुझान इदा का नहीं लगे भी जोड़ा इन्हों गल टॉक करने लिए बुलाया जाए या बुलाया गया हो। सो इतों सरकार की जी मंशा वो सिद्ध होंगी है, जिदे 93 बिल्डिंगा रिलीफ एड्डी वीडी दे दी है भी उन्होंने डेमोस्ट्रेशन रोक दी है, डेमोलेशन रोक दी है, और नाल दे नाल जी विजिलेंस इनकुआरी रोक दी है, फिर मैं समझना कि इन्हें जोड़े बंदे सस्पेंड किए हैं वह कोई औचित्य नहीं रह जाता कि उन्होंने सस्पेंड किया है। असी चाहते हैं इस माध्यम तो अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब नूं सिद्धू साहब नूं भी इन बंदियां दी बहाली जिहड़ी है तुरंत की जाए, और नाल दे नाल जिहड़ी सारे कर्मचारियों की तनखाह है जिहड़ी जिद्दां पहलां चलदी हुंदी सी 1 तरीक तो लैके 7 तरीक तक जिहड़ी तनखाह इन्हां नूं मिल जाती हुंदी सी उहनूं यकीनी बनाया जाए। मेयर साहब तो जदों डे 1 तो जदों उन्होंने मेयरशिप ली है उस ही दिन असी उन्होंने कहा कि असी तुहानूं पूर्ण तौर पर सहयोग करांगे, और असी मैं समझदा कि असी पूर्ण तौर पर सहयोग किया भी है, और लगभग 1.5 साल की यह गौरमेंट बनी नूं हो गई है, एक भी तनखाह कोई इन टाइम नहीं करवा पाया, जबकि तनखाह साडी कोई डिमांड ही हैगी, ये तो साडा हक है और ये इन टाइम होने चाहिए है, क्योंकि सारे जिहड़े दर्जा 4 कर्मचारी है या होर इंप्लाई है उन्होंने मुख्य जिहड़ा सिस्टम हुंदा है घर चलाउण दा एक तनखाह ही हुंदा, होर की उन्होंने पल्ले हैगा, तो मैं समझता जो सरकार तनखाह भी नहीं दे सकती इस तो वध जी दुखांत मैं समझता कोई नहीं हो सकता, जी तनखाह लैन भी सानू धरने लाने पैन हड़ताल करनिया पैन इस तो मंदभागी गल कोई नहीं हो सकती। देखो जी मैनू तो लगभग 15 साल हो गए कैप्टन साहब तो शुरू होया सी, मुड़ उन्हां दी टनोर आ गई है 15 साल बाद भी 2002 असी कैप्टन साहब के अगेंस्ट उदों भी जिहड़े धरने सीगे लाउंदे हुंदे सी उदों मोहल्ला सैनीटेशन कमेटियां दे विच जिहड़े 800-800 रुपए के बंदे साडे रखे हुए थे उन्होंने पक्के कराने की असी गल करते होंगे तो वो नहीं हुई उन्होंने,
और अज तुम देख लो मुड़ के असी उ साढ़े को 15 साल हो गए असी तो दरिया ही बैठे हैं। सो कहण दा मेरा मकसद ये आ भी कोई भी गवर्नमेंट है वो मुलाजमान नूं कुछ दे के राजी नहीं। मुलाजमान के जिहड़े मुद्दे हैगे वो एज इट इज़ उदा ही खड़े आ सारिआं दे। आ जिन्नीआं मेरे नाल जथेबंदियां खड़ियां साडे माणयोग पवन अग्निहोत्री जी खड़े आ, विक्रम कल्याण जी खड़े आ, सोमनाथ महतपुरी जी खड़े आ और होर सारे जिहड़े इस धरनिआं दे विच शामिल आ, हड़ताल दे विच शामिल आ। मेरे ख्याल सारिआं दे मुद्दे लगभग 15-15, 20-20 साल हो गए एज इट इज़ उदा ही पए आ। सो सरकारां साडा कोई मंतव नहीं असी प्रोटेस्ट करके शहर नूं असी डिस्टर्ब करिए, बट सरकार नूं भी इन्हां पासे जिहड़ा मैं समझदा जिहड़ा उदासीन रवैया आ उहनूं छड्ड के सिंपथैटिकली इन्हां दीआं मंगां वल भी देख के इन्हां नूं पूरियां करना चाहिए। पहला देखो जी असी 15-15 दिन असी पहला इन्हां नूं नोटिस दिंदे आ, उदों नहीं ये गौर करते। उस तो बाद 3-4 दिन जो रह जाते इन्हों पता हों भी हूँ स्ट्राइक हो सकती है, ये उदों नहीं कॉल करते। चलो असी इसलिए 3 दिन मेरे ख्याल सिंबॉलिक जिहा कि धरना दिता सीगा भी चलो शायद एटलीस्ट सानू डायलॉग लई कोई ना कोई बुलाएगा जां कोई गल करेगा। पर तुसी देख लो शहर के हालात की है, MLA तक नूं माणयोग मुख्यमंत्री साहब नहीं मिलते और कल परसों के पेपर के सारिया ने मेरे ख्याल पढ़िया भी होना कि उत्थे दलित MLA की एंट्री बंद है। हुण जिथे दलित MLA ने जाके गल करनी है उत्थे जो उन्होंने एंट्री बंद हो जाती तो मैं समझदा इस तो वड्डी बेगैरती वो दलित MLA कोई नहीं हो सकती जे उन्होंने कैप्टन उन्होंने राजा उन्होंने मिलने लिए समा नहीं दे रहा, तो जे उन्होंने समा नहीं मिल रहा तो साड़ी तुहाड़ी की औकात हैगी। देश विदेश और अपनी शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल KPD न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।